हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सर। आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन एंड योर स्टडी मस्ट बी गोइंग ऑन वेल। आज हम लोग 2023 के इंग्लिश वाले पोर्शन को कर रहे हैं। सीटेट जो पेपर फर्स्ट था उसके 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं पेडागॉजी के। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इन क्वेश्चंस में आपको जो नई नई अप्रोचेज लैंग्वेज को लेकर पूछी जा रही है वो अप्रोचेज यहाँ पर है। पहले के क्वेश्चन अगर आप देखें, मतलब पहले के पेपर देखें 2022 से पहले के, तो वही बेसिक जो अप्रोचेज थी वही पूछी जाती थी। लेकिन अब कई सारी नई नई अप्रोचेज आई हैं। पहली बात, वो बहुत सारी यहाँ पर दी हुई हैं जिनको हम क्लियर करेंगे। दूसरी बात यह है कि अब कथन और तर्क वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे सीडीपी के क्वेश्चंस की बात करें, ईवीएस की बात करें, और इवन हमारे लैंग्वेज में भी, तो वो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा पैकेज है, 15 क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे से इनको हमने किया है। आप देखिए और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर कई सारे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द स्ट्रेटजी दैट मैचेस द एग्जाम्पल। कौन सी स्ट्रेटजी है जो इस एग्जाम्पल को मैच करती है? क्या है? आई फोकस ऑन द लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज पे फोकस करता हूँ, ध्यान देता हूँ। आई यूज टू मेक श्योर, मैं मेक श्योर हो जाता हूँ, जब निश्चित हो जाता हूँ, इट इन करेक्ट, मतलब कि चीज सही है या गलत है, जो भी मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ उस पर मैं बहुत ध्यान देता हूँ कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो उसको श्योरिटी के साथ ही मैं यूज करता हूँ। तो ऐसा कोई व्यक्ति कब करता है? जब वह अपना सेल्फ मॉनिटर करता है, अपने द्वारा, चाहे वो बोली गई चीज हो या लिखी हुई चीज हो, जब खुद के द्वारा भाषा का प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ किया जाता है, ये देखा जाता है कि क्या सही यूज कर रहे हैं, क्या चीजें गलत यूज कर रहे हैं, तो उस टाइप की जो एक अप्रोच होती है उसको सेल्फ मॉनिटरिंग अप्रोच कहते हैं। ठीक है, स्वयं को एक तरह से मॉनिटर करते हुए चलना। अब ये जो तीन यहाँ पर बच्ची, इनको जरा देख लेते हैं। इन तीन की बात करें, ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है? ट्रांस लैंग्वेज होता है जब आप मल्टी लैंग्वेज यूज करते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज यूज करते हैं, अपने जो भी आप कहना चाहते हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं उसको बहुत प्रभावी तरीके से रख पाए, उसके लिए आप बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, तो इस तरह की यूज करने के अप्रोच को कहते हैं ट्रांस लैंग्वेज। सेकेंड है मेमोराइजिंग। मेमोराइजिंग होता है जब आप ड्रिल्स के द्वारा और रिहर्सल के द्वारा चीजों को याद करते हैं, अपनी मेमोरी में बिठाते हैं, तो उसको मेमोराइजिंग कहते हैं। सिंपल वर्ड है, वैसा ही इसका मतलब होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है रिवाइजिंग। रिवाइज आप कब करते हो? अपने द्वारा किए हुए कार्य को, चाहे वो भाषा के क्षेत्र में हो, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज की बात हो रही, अपने द्वारा किए हुए कार्य को जब आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, जब आप मॉडिफाई करना चाहते हैं और या उसमें कुछ भी नया जोड़ना चाहते हैं, तो आप उसको रिव्यू करते हैं, तो रिव्यू करने को ही क्या कहते हैं? रिवाइज करना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कोई ऐसे टर्म नहीं थे जिसको वो डी में समझाया जाए। सेल मॉनिटरिंग होता है अपने द्वारा यूज की हुई लैंग्वेज पे बहुत फोकस करके चलना। ठीक है, अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स इन क्लास सेकंड, जो क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स हैं, सिंग ए सॉन्ग, एक गाना गाते हैं, हेड एंड शोल्डर्स नीज एंड टोज। ये गाना उनका है, हेड एंड शोल्डर्स नीज एंड टोज, दे टच द करेक्ट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। जब वो ये सॉन्ग गा रहे होते हैं तब वो अपनी बॉडी का बिल्कुल सही पार्ट टच करते हैं। अगर उन्होंने हेड बोला है तो इस तरह से हेड को टच करेंगे। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी बात, एज दे सिंग द सॉन्ग। ठीक है, विच मेथड है ना, हमने कहा था कई नई अप्रोचेज हैं जो आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये चीजें हैं जो आज के दौर में पूछी जा रही है। विच मेथड इज द टीचर यूजिंग टू टीच देम, कौन सा ऐसा मेथड है जो टीचर यूज कर रहा है उनको पढ़ाने के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स इन क्लास सेकंड सिंग सॉन्ग। चलिए, तो मतलब होता है कि अपने बॉडी के पार्ट्स को पढ़ा रहा है और साथ साथ में उनकी और इंडिकेशन भी दे रहा है। तो देखिए, एक्लेक्टिक अप्रोच क्या होती है? एक्लेक्टिक अप्रोच होती है कि जब हमें किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हो, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें कई सारे मेथड का सहारा लेना पड़े, तो इस तरह की जो अप्रोच होती है टीचर की, उस अप्रोच को क्या कहते हैं? एक्लेक्टिक अप्रोच कहते हैं। कोई अगर प्लेवे में बच्चा समझ पा रहा है तो उसको एक दूसरे तरह से समझा रहे हैं, अगर कोई बच्चा प्रोजेक्ट से समझ पा रहा है किसी अवधारणा को, तो उसको प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से समझाएं। मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को जब कई सारे मेथड को समाहित करके बनाते हैं, तो इस तरह की जो अप्रोच होती है वो क्या कहलाती है? इक्लेक्टिक अप्रोच कहलाती है। क्लियर हो गया होगा, आप सभी जानते होंगे ऑडियो लिंगुअल जो मेथड होता है वो क्या होता है, क्योंकि इससे पहले भी हम बता चुके और कई बार ये चीजें सामने भी आ चुकी, बहुत पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके ऑडियो लिंगुअल मेथड। देखिए, जब फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंट्री को कहीं पर अपना बेस कैंप बनाना है, तो वहां की लोकल आर्मी के साथ उसको बात करनी होगी, तो उस टाइम पर आप किसी भी कंट्री की पूरी भाषा अपने आर्मी को नहीं सिखा सकते हो कि आप जाइए पूरी लैंग्वेज पहले वहां की सीखिए तब वहां रहिए जाके। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको जो वहां के डायलॉग्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं या सेट ऑफ पैटर्न्स होता है उनको याद करना होता है। ग्रामर्स की ड्रिल्स कराई जाती है आपको, वोकैब्स जो जनरल वोकैब्स होती है वहां यूज होने के लिए वो आपको लर्न कराई जाती है, और क्विक कम्युनिकेट आप वहां पर कर पाए, इस तरह की रणनीति जब बनाई जाती है तो वहां पर किस मेथड का यूज किया जाता है? ऑडियो लिंगुअल मेथड का यूज किया जाता है। बाकी सब सामने आपके लिखा है। नेक्स्ट यहां पर दिया गया था टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, एक ऑप्शन था टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। देखिए, जब आप किसी भी
चीज को सिखा रहे हैं उसको विद एक्शन आप करें तो इस तरह का जो अप्रोच होती है उसको टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। मतलब आप कह तो कर तो उसको रही है, साथ में उस चीज को जो भी आपको बताएगी उसको फिजिकली भी करके दिखा रहे हैं, तो ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हो गया। और नेक्स्ट आपका था कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिंग अप्रोच क्या होता है, जब बच्चों को सेंट्रलाइज करके आप बात करने का, वार्तालाप करने का अवसर देते हैं, उनको कोई कॉन्टेक्स्ट में बात करने का अवसर देते हैं ताकि वो अपनी भाषा को ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए, तो इस तरह की अप्रोच को क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये टीचर है और ये बच्चों को पूरा मौका दे रही है कि वो आपस में बात कर पाए। ठीक है, यहाँ पर टीचर का जो रोल होता है वो काफी कम होता है, मेन रोल किसका होता है, स्टूडेंट्स का होता है। और बहुत अच्छे से ये जो होता है ये मेथड मतलब यूज करने से बच्चे लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख जाते हैं क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन में वो चीज आती है। अब यही चीज वहां पर कही गई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर अपने बॉडी पार्ट्स को छू करके कोई एक्टिविटी करके मतलब छू करके कोई बात सॉन्ग को गा रहा है तो ये हो जाएगा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स, स्टूडेंट ग्रुप्स में काम करते हैं टू आंसर फाइव क्वेश्चंस, पांच क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए ग्रुप बना रखा है उन्होंने। ठीक है, अबाउट वोकैबुलरी फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट जो उन्होंने पढ़ा होगा उसकी वोकैब्स के बारे में वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। देन दे एक्सचेंज क्वेश्चन, तब इसके बाद वो पांचों क्या करते हैं, आपस में अपने क्वेश्चन को बदल लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन एक दूसरे से कर रहे थे, फिर क्वेश्चन को भी बदल लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, विद अनदर ग्रुप एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, दिस इज एन एग्जाम्पल। आप अब दूसरे ग्रुप के साथ, जैसे पांच लोगों ने ग्रुप बनाया, क्वेश्चन तैयार किया, आंसर तैयार किए, अब अगले ग्रुप के क्वेश्चन को पहले वाले दे दिया गया और पहले वाले ग्रुप के नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक्सचेंज कर दिया गया। तो इस तरह की जो अप्रोच है वो क्या कहलाती है, या इस तरह की जो लैंग्वेज में एक विधा है उसको क्या कहते हैं, पीयर असेसमेंट कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, या रीडिंग असेसमेंट कहते हैं। देखिए, जब आपके सहपाठियों द्वारा किसी भी चीज का मूल्यांकन किया जा रहा हो तो उसको पीयर असेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, वो आपके किए हुए वर्क को रिव्यू करेंगे और उस पर वार्तालाप करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पीयर असेसमेंट कहेंगे। सेल्फ असेसमेंट होता है जब आप अपने ही काम को बेटर बनाने के लिए अपना ही मूल्यांकन करते हो तो उसको सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। फीडबैक होता है, जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने वर्क किया है वो अच्छा था या खराब था, उसका आपको जब फीडबैक दिया जाता है वो फीडबैक कहलाता है, जो आपको आगे की रणनीति बनाने में काफी मदद कर सकता है। और रीडिंग असेसमेंट होता है, पढ़ते टाइम असेसमेंट करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा पीयर असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, आई लाइक इट वेन द टीचर गिव्स मी अ कार्ड, मुझे पसंद है जब टीचर मुझे कार्ड देता है विद ए वर्ड और फ्रेज, जिस पर एक वर्ड या फ्रेज लिखा हुआ होता है, ऑन इट एंड आई हैव टू एक्ट इट आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास, और मुझे उसी कार्ड पे लिखे हुए के अकॉर्डिंग अपने क्लास के सामने उसको प्रस्तुत करना होता है। कार्ड पे सपोज कुछ भी लिख दिया गया, जैसे यू हैव टू डांस, डांस लिख दिया गया, तो वो डांस करके दिखाएगा बच्चा जिसको वो कार्ड मिला, आप समझ गए होंगे इस चीज को, दैट दे गेस द वर्ड, तब उनको गेस करना होता है तो कि कार्ड में कौन सा वर्ड लिखा है। तो इस टाइप की जो अप्रोच है वो क्या कहना चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, ये पहले हम देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। फाइंड द लर्नर्स कमेंट्स विद द लर्नर्स प्रेफरेंसेस लिस्टेड बिलो, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर वन, आई रिमेम्बर लैंग्वेज वेल व्हेन आई एम काइनेस्थेटिकली इन्वॉल्व, मुझे लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है जब हम काइनेस्थेटिकली इन्वॉल्व, मतलब होता है फुली बॉडी के साथ किसी चीज को सीखने में इन्वॉल्व होते हैं तो हम लैंग्वेज को और अच्छी तरह से सीखते हैं, ये पहला ऑप्शन है। सेकेंड है, आई रिमेम्बर लैंग्वेज वेल व्हेन आई सी इट, मुझे लैंग्वेज तब ज्यादा समझ में आती है जब मैं देखता हूँ, तो सी इट का मतलब ही नहीं, देखिए लैंग्वेज देख करके सीख नहीं जा सकते, आप सभी इस बात को जानते होंगे, ये कोई बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता है ना। आगे, आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई हियर इट, जब मैं सुनता हूं तब मैं लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीखता हूं, आप सभी जानते होंगे अगर किसी चीज को करके सीखा जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं होता है। और यहाँ दोनों ऑप्शन में कहीं करने की बात नहीं की गई थी, एक में देखने की बात की गई थी, एक में सुनने की बात की गई थी, जो कि एक पार्ट हो सकता है, एक छोटा सा आयाम है भाषा सीखने का, लेकिन संपूर्णता नहीं है, परफेक्शन नहीं है। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मेमोराइज द फ्रेजेस फ्रॉम द कार्ड, हम मेमोराइज ही कर लेंगे, हम पूरा रट्टा मार लेंगे, और आप सभी जानते होंगे लैंग्वेज को रट्टा मार के क्या सीखा जा सकता है, हम आपको पढ़ा रहे हैं इतने सारे सेंटेंसेस बोल रहे हैं, क्या इनको हम रट के आए होंगे, या ऐसा इज इट पॉसिबल है ना टू मेमोराइज ऑल द फैक्ट्स, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कि काइनेस्थेटिकली इन्वॉल्व अगर कोई हो जाएगा, जो भी वो सीख रहा है उसको आप प्रेजेंट भी कर रहे हो, तो सबसे बेटर ऑप्शन होता है किसी चीज को सीखने का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्टेटमेंट वही हमने कहा असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, चाहे सीडीपी हो, ईवीएस हो, किसी भी सेक्शन में खूब पूछे जा रहे हैं। क्या कह रहा है ये, इसमें कहा जा रहा है ऑल चिल्ड्रन हु एंटर स्कूल, जो भी बच्चे स्कूल में एंटर करते हैं आर कॉम्पिटेंट लैंग्वेज यूजर्स, हाँ वो भाषा में अपने क्षमता अनुसार कैसे होते हैं, अकॉर्डिंग टू दियर एज, अपनी एज के अकॉर्डिंग भाषा में उतने निपुण होते हैं, मतलब जब वो स्कूल जाते हैं तो अपने एज के अकॉर्डिंग भाषा में कॉम्पिटेंट होते हैं, मतलब सक्षम होते हैं। ठीक है, आगे क्या कहना, रीजन क्या इसका दे रहा है, ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल डायवर्सिटी, लैंग्वेज और भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के कारण, डायवर्सिटी विविधता के कारण, दे आर अनेबल टू डेमोन्स्ट्रेट, वो अनेबल रहते हैं
अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट होता है प्रदर्शन करना, दियर एबिलिटीज, अपनी एबिलिटी को प्रस्तुत करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए उनको मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहां का जो वातावरण होता है, क्योंकि लैंग्वेज एंड कल्चर डाइवर्सिटी, अलग अलग डाइवर्सिटी और अलग लैंग्वेज के लोग होते हैं, तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनको अपनी चीज को उतनी अच्छे से दिखा पाना, शो कर पाना। ठीक है, तो क्या करा, ए इज फाल्स बट आर इज नहीं, यहाँ पर देखो ए भी सही है, क्योंकि जब बच्चा जाता है तो भाषा की पूंजी लेके जाता है, बेसिक भाषा की पूंजी लेके जाता है, ये भी सही है, और बात तो दूसरी भी सही है। देखिए, माना कि जो मल्टी लिंग्विज्म होता है वो एक अवसर बताया गया है, लेकिन यहाँ पर जो वो बात कह रहा है उसको समझिए, क्योंकि भाषा विविधता और सांस्कृतिक विविधता के कारण बच्चे उतनी अच्छी से अपने आप अपनी चीजों को प्रस्तुत नहीं कर पाते जितना वो कर सकते थे, तो ये भी बात सही। बट इस वाले जो असर्शन है इसका रीजन ये नहीं है, मतलब ए सही है लेकिन आर इसकी व्याख्या नहीं करता, आर अपने आप में इंडिविजुअली सही है, अपने आप में इंडिविजुअली सही है, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एक एक्सप्लेन नहीं वो कर रहा है उसको, क्योंकि वहां पर समस्या दूसरी दी गई थी। ठीक है, आगे देखिए, अ मदर नोटिसेस दैट, एक माँ नोटिस करती है, क्या नोटिस करती है, नोटिस करती है कि नोटिस दैट हर चाइल्ड, उसका बच्चा समटाइम्स कभी कभी सेज थिंग्स, चीजें कहता है, दैट शी हैज नेवर हर्ड एडल्ट्स हर सिबलिंग्स से। एक बच्चा उसके घर पे, एक माँ के घर पे एक बच्चा है छोटा सा, तो वो कभी नोटिस करती है कि वो जो छोटा बच्चा है वो कभी वो चीजें नहीं कहता है, वो चीजें कभी कभी वो चीजें नहीं कहता है जो उसके भाई बहन, उसकी जो उससे बड़े भाई बहन है वो कहते या करते हैं, मतलब जैसा उसके बड़े भाई बहन करते हैं ऐसा कभी कभी वो छोटा बच्चा नहीं करता। ठीक है, शी इज कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज हो गए, एज बिलीव्स दैट, क्योंकि वो तो ये मान के चल रही थी दैट द चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज, क्योंकि बच्चा जो भाषा सीखता है थ्रू इमिटेशन, इमिटेटिंग पीपल इन हर फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसको लगता था कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं वो अपने परिवेश में, अपने परिवार, दोस्त और सराउंडिंग्स में, जो उनकी जो एनवायरनमेंट होता है उससे भाषा को सीखते हैं। हर बिलीव रेजोनेट्स में, तो उसके जो विश्वास है वो किस चीज से भरे हुए हैं, है ना, आपको बात समझ में आ गई होगी। एक माँ देखती है कि उसका एक छोटा बच्चा है वो बिल्कुल वैसी चीजें यूज नहीं करता है भाषा में जैसी उसके भाई बहन या और लोग करते हैं, तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक बच्चा तो घर परिवार और पड़ोस से ही सीखता है जो कुछ भी सीखता है, तो उसका विश्वास क्या है, वो किस थ्योरी की ओर इंडिकेट कर रही है, तो वो बिहेवियरिज्म की ओर कर रही है। बिहेवियरिज्म क्या कहता है कि अगर बच्चे के सामने कोई भी चीज कराई जाती है, कोई भी एक्शन कराया जाता है, बार बार कराया जाता है, तो वहां पर उस चीज को वो लर्न कर लेता है प्रॉपर, अगर उसको स्टिमुलस दिया जाए कोई एक ऐसा, स्टिमुलस से मतलब होता है एक उसको ऐसा उद्दीपक दिया जाए और साथ साथ रेनफोर्समेंट दिया जाए तो चीजों को वो सीखता है। और ये बी एफ स्किनर और इवान पावलोव इस चीज को सिद्ध भी कर चुके हैं अपनी जो उनकी थ्योरीज है। ठीक है, तो ये चीज वो कह रही है, लेकिन वहां पर जो अदर ऑप्शन थे, अदर ऑप्शन में था कि नेटिविज्म क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है और कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, हालांकि कंस्ट्रक्टिविज्म वगैरह हम बता चुके हैं। देखिए, अगर हम बात करें मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम, तो आप सभी इससे बहुत चिर परिचित होंगे, क्योंकि इतना व्यापक कॉन्सेप्ट है, आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल ही गया होगा। जब किसी क्लासरूम में सभी तरह के भाषा जानने वाले स्टूडेंट्स को पर्याप्त अवसर मिलते हैं कि वो अपनी भाषा का प्रचार प्रसार कर पाएं, एक दूसरे से सीख पाएं, तो इस तरह की कक्षा को बहुभाषी कक्षा कहा जाता है, जहां पर कल्चरल डाइवर्सिटी हो सकती है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी हो सकती है और कॉम्पिटेंस भी हो सकती है, कोलेबोरेशन भी उनका होता है, तो एक दूसरे से अलग होते हुए भी वो साथ होकर कई सारी चीजें सीखते हैं, तो इस तरह की क्लास को मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, लाइट चली जाती है, बार बार डिस्टर्बेंस हो जाता है, चलिए देखते हैं। अगला है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? रचनावाद। ये कहता है कि एक बच्चा स्वतंत्र रूप से जो एनवायरमेंट होता है उसका, उससे बहुत सारी चीजें खुद से सीखता है, मतलब आप उसको फ्री होके छोड़ दीजिए तो वो चीजों को परसीव करेगा, बहुत सारी चीजों को देखेगा, समझेगा और अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स उसके सामने आएंगी, उनको भी वो सॉल्व करेगा। तो एक तरह से जिसकी जीन प्याजे सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से इसके बारे में कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ये वही चीज है कंस्ट्रक्टिविज्म। और आजकल की जो हमारी चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या जो हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा हो, वो सभी इसी रचनावाद पर आधारित है, जहां बच्चे को सेंट्रलाइज रखा जाता है और बच्चे को जो शिक्षक होता है वो एक सुविधादाता के रूप में जहां पर काम करता है। ठीक है, ये अप्रोच हम पहले भी कर चुके हैं। अब बात करते हैं नॉम चॉम्स्की। देखिए, चॉम्स्की अगर हम बात करें तो भाषा पे काफी काम किया इन्होंने, और ये तो इनका जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD के बारे में भी क्वेश्चन पहले के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, आज जो आया है वो नया आया है। ये जो अवधारणा है यहाँ पर देखिए आप, नेटिविज्म की, तो नेटिविज्म क्या है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी हो सकता है कि इंडिविजुअली भी ये चीज पूछ ली जाए। नेटिविज्म का मतलब ये है कि चॉम्स्की कहते हैं कि कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान की अगर हम बात करें तो हम लोगों में भाषा सीखने की एक इननेट क्वालिटी होती है, एक जन्मजात गुण होता है कि हम भाषा को सीख सकते हैं, है ना। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई, चिल्ड्रन हैव एन इननेट
नॉलेज ऑफ द बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दैट इज द बेसिक टू ऑल लैंग्वेज, जिसे इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा। तो अगर यूनिवर्सल ग्रामर की बात कहीं पर आए कभी, तो ये किसने बात कही थी? ये चॉम्स्की सर ने कही थी। उन्होंने कहा था चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ हो इस पूरी दुनिया में, लेकिन उसके अंदर एक यूनिवर्सल ग्रामर, तो सभी का एक पैटर्न जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझने की क्षमता बच्चे में होती है। तो इसे ही उन्होंने कहा नेटिविज्म का। ठीक है, तो चलिए और आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ स्किल्स दैट डेवलप बिफोर चिल्ड्रन बिगिन फॉर्मल रीडिंग। फॉर्मल रीडिंग से पहले जो बच्चे में बेसिक स्किल्स, एक सेट ऑफ स्किल्स डेवलप होती हैं, इंस्ट्रक्शन एंड विच प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर लेटर एकेडमिक स्किल्स, जिससे कि आगे सीखी जाने जो हमारी एकेडमिक होनी है, आगे की शिक्षा होनी है, उसकी वो एक तरह से फाउंडेशन होती है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इमर्जेंट लिटरेसी। नया टर्म आया, हमने कहा ना बहुत सारे नए टर्म आएंगे। इमर्जेंट लिटरेसी को अर्ली लिटरेसी भी कहा जाता है। बच्चा स्कूल जाने से पहले जो एक फॉर्मल एजुकेशन है उसको लेने से पहले उसके पास जो भी भाषा को लेके या किसी भी क्षेत्र को लेके जो पहले से उसके पास पूंजी होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? इमर्जेंट लिटरेसी कहा जाता है। ठीक है, इसकी बात जो की है वो इमर्जेंट लिटरेसी की बात की है मैरी क्ले ने की है, ठीक है, 1996 में। और यही यहाँ पर अर्ली लिटरेसी के नाम से जाना जाता है। यानी भाषा को जो शुरुआत, अगर भाषा की ही बात कर लें तो प्रॉपर जो उसकी स्कूल में, स्कूल के टाइम पे जो उसको भाषा सिखाई जाएगी, उससे पहले जो भाषा के बारे में उसको जानकारी होती है उसे ही क्या कहा जाता है? इमर्जेंट लिटरेसी कहा जाता है। ठीक है, तो यही दिया, इमर्जेंट लिटरेसी इज बेस्ड ऑन एन अजम्पशन दैट अ चाइल्ड एक्वायर्स सम नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, रीडिंग एंड राइटिंग इवन बिफोर अटेंडिंग एनी फॉर्मल एजुकेशन। वही चीज यहाँ पर लिखी गई, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यही, बाकी तो ऐसा कुछ वहां पर है नहीं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है मंजीत ऑफ क्लास फिफ्थ स्पीक्स इन डिफरेंट वेज टू हिज टीचर्स। जो मंजीत है वो अपनी कक्षा के टीचर्स के साथ जब बात करता है तो एक डिफरेंट तरीके से बात करता है। किसके साथ? टीचर के साथ। आगे देखिए, टू हिज फ्रेंड्स, और अपने जब दोस्तों के साथ बात करता है तो भी उसके बात करने का तरीका एक अलग तरह का होता है। एंड ऑल्सो टू अ टू ईयर चाइल्ड, और जब वो एक दो साल के बच्चे से बात करता है तब भी उसकी बात करने का तरीका अलग होता है। बेसिकली मतलब ये है कि जब वो जिस तरह के लोगों के साथ मिलता है उस तरह के बात करने का तरीका उसका रहता है। ठीक है, इट मींस मंजीत नोज हाउ टू यूज लैंग्वेज इन सोशल सिचुएशन। यानी मतलब ये है कि मंजीत को पता है कि सोशल सिचुएशन में लैंग्वेज को कैसे यूज करा जाना चाहिए। वॉट इज दिस एट्रीब्यूट ऑफ ए लैंग्वेज नोन एज, इस तरह की जो अप्रोच है, जो अवधारणा है, वो लैंग्वेज में किस नाम से या किस तरह से जानी जाती है, उसको एक्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। नहीं, एक्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? तो नॉर्मल सा वर्ड दे दिया गया, भाषा, एक्ट ऑफ स्पीच बोलना है ना। नेचुरलिस्ट आप जानते होंगे जो कैसा होता है, प्रकृतवादी होता है। ठीक है, सिमेंटिक्स होता है जो बेसिक वर्ड्स फॉर्मेशन स्ट्रक्चर फ्रेजेस को के अध्ययन को या को जानना ही किसके अंतर्गत आता है? सिमेंटिक्स के अंतर्गत आता है। प्रैग्मेटिक क्या होता है? प्रैग्मेटिक मतलब होता है गिवन टेक वाली सिचुएशन, यानी जिस तरह का आपके सामने सिचुएशन है आप उसी तरह का जब बिहेव करते हैं, तो इस तरह की अप्रोच को कहा जाता है प्रैग्मेटिक अप्रोच, और वही यहां पर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ग्रैंड मदर लव्स टू रीड आउट स्टोरीज। ए ग्रैंड मदर को स्टोरी पढ़ना अच्छा लगता है या बोलना, रीड आउट स्टोरी फ्रॉम बुक्स टू यंग चिल्ड्रन, किसको सुनाना? यंग चिल्ड्रन को सुनाना, छोटे बच्चों को सुनाना, एट होम, घर पर। एंड इन दिस वे, और इस तरह से एक्सपोजेस देम टू बुक्स, वो बुक्स को, बच्चों को बुक्स के साथ एक्सपोज करती है, एंड न्यू आइडियाज, और नए नए आइडियाज के साथ उनको रूबरू कराती है। एंड द चिल्ड्रन आर एक्टिवली एंगेज्ड इन दिस प्रोसेस, और जो बच्चे होते हैं इस तरह के प्रोसेस में बहुत एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, एंगेज रहते हैं एक्चुअली वो इस तरह में। दिस टेक्निक इज नोन एज, और इस तरह की जो टेक्निक होती है, यानी कहानी सुनाने की बुक्स के साथ, इवन किसके साथ? स्टोरीज और सॉरी आइडियाज एंड बुक्स, बुक्स के साथ नई नई आइडियाज अगर शेयर करो आप बच्चों के साथ, तो इस तरह की जो अप्रोच है वो क्या कहलाएगी? अलाउड रीडिंग, मॉडल रीडिंग, शेयर्ड रीडिंग, डायलॉजिक रीडिंग। देखिए यहाँ पर जो होगा, तो डायलॉजिक अलाउड रीडिंग क्या होता है? अलाउड रीडिंग का मतलब होता है जब जोर जोर से किसी चीज को पढ़ा जाता है तो उसे हम अलाउड रीडिंग कहते हैं। आपके स्कूल्स वगैरह में ये चीजें चलती रहती है। मॉडल रीडिंग भी होता है, टीचर किसी प्रोज या पोएट्री के वर्क को तेज से पढ़ता है और बच्चे उसको उसी तरह से बाद में पढ़ते हैं, तो मॉडल रीडिंग होता है। साइलेंट रीडिंग भी होता है, ठीक है। शेयर्ड रीडिंग होता है जब साथ साथ बैठ के पढ़ा जाता है तो उसको शेयर्ड रीडिंग कहा जाता है, ठीक है। शेयर्ड रीडिंग होता है साथ साथ बैठ के पढ़ना, स्टोरीज वगैरह होती है उनको शेयर करके पढ़ा जाता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। डायलॉग ये है, डायलॉजिक रीडिंग क्या होता है? डायलॉजिक रीडिंग से मतलब यहाँ पर है कि जब कोई ऐसी बुक जो बहुत सारी प्रिंटेड भी होती है और बच्चे उसको पढ़ करके दूसरों के साथ बैठ करके भी पढ़ते हैं और उसके बारे में अंदाजा भी लगाते हैं, इस तरह के पढ़ने को क्या कहा जाता है? डायलॉजिक रीडिंग कहा जाता है। लेकिन यहाँ वाला जो ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? शेयर्ड रीडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
अगला है लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ, जो लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस है वो क्या है एक्चुअल में, हमने पहले ही बोल दिया प्रोसेस है, तो ये एक प्रोसेस है। लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करें तो जब हम अपनी मदर टंग को नेचुरल वे में एक्वायर करते हैं अपने सराउंडिंग से, तो दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम एक्विजिशन बिकॉज दैट इज प्लांड, लर्निंग इज प्लांड एंड कैन बी टेकन फ्रॉम अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन और समथिंग एल्स, बट एक्विजिशन हैपेंस देयर होम सराउंडिंग और नेबरहुड, ठीक है। तो ये एक्विजिशन हो जाएगा, ये नेचुरल भी है अपनी मातृभाषा को सीखने का, बल्कि लैंग्वेज को सीखना अपने आप में एक प्रोसेस है जो कि फ्रॉम बर्थ टू डेथ तक चलता रहता है। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी परफेक्ट नहीं है इवन इन लैंग्वेज और एनी अदर थिंग, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो जाएगा, प्रोडक्ट तो है होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अ टीचर ऑफ क्लास सेकेंड इज प्रेजेंटिंग न्यू वोकैबुलरी, एक क्लास सेकेंड का टीचर न्यू वोकैब प्रेजेंट कर रहा है टू द लर्नर्स, लर्नर्स को विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट द न्यू वोकैबुलरी, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे नई शब्दावली को सिखाना सबसे बेहतर माना जाता है, ठीक है। तो पढ़ने की जरूरत तो बात की है, लेकिन आप सभी जानते हो अगर किसी को भी नई शब्दावली सिखानी है, न्यू वोकैब सिखानी है, तो आप उसको कॉन्टेक्स्ट में यूज करके बताइए, जिस कॉन्टेक्स्ट का वो वर्ड है उसको उस संदर्भ में उसको यूज करके बताइए, सबसे बेहतर तरह से वो सीखेगा। बाकी हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं, द टीचर शुड राइट इट्स मीनिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, उसकी मीनिंग ब्लैक बोर्ड पे लिख दी जानी चाहिए, एंड आस्क लर्नर टू लर्न इट बाय हार्ट, और बच्चों से कह देना चाहिए कि अपनी किडनी से इनको याद कर लीजिए, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे बहुत ही पुराना तरीका है, भद्दा तरीका है कि बोर्ड पे लिख दो और याद कर लो, ठीक है। ये रोड लर्निंग को बढ़ावा देता है। द टीचर शुड टेल देम द एंटोनिम्स, उनको बच्चों को उन शब्दों के एंटोनिम्स बता देने चाहिए, एंटोनिम्स एंड वर्ड्स गिव द मीनिंग इन देयर लैंग्वेज, और उनको उनकी लैंग्वेज में उनके अर्थ बता देने चाहिए, ठीक है। तो केवल क्या एंटोनिम्स बताने से काम चल जाएगा, आप भाषा के आप शब्दों की ही बात कर लें तो आप एक छोटा सा पहलू पकड़ रहे हैं उनके विलोम शब्द, तो क्या केवल एंटोनिम्स से काम चल जाएगा, ना तो केवल सिनोनिम से चलेगा। जब आप किसी भी चीज को एज अ होल देखेंगे तभी सबसे अच्छा काम बन सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन, द टीचर शुड गिव देम अ कंसाइज डेफिनेशन, डेफिनेशन दे दे शब्द की काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं है। डेफिनेशन पढ़नी है तो वो किताबों में पढ़ सकते हैं, आपकी जरूरत भी नहीं है टीचर की, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन, द टीचर शुड ट्राई टू एक्सप्लेन वर्ड्स मीनिंग, एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी चाहिए, इन द सिचुएशन इन विच इट अकर्स, ऐसी सिचुएशन में जहां पर ये आते हैं घटित होते हैं, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 सबसे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, एक नई भाषा सीखने में मेनी स्टूडेंट्स ऑफन लैक कॉन्फिडेंस, बहुत सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस कम होता है व्हेन स्पीकिंग ड्यू टू द लैंग्वेज यूनिक प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि जो किसी भी लैंग्वेज का एक प्रोनाउंसिएशन होता है उसका एक पैटर्न होता है, एक एक्सेंट होती है, और वो उनको काफी ज्यादा टफ लगता है। रूल्स, द वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज बाय, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कम से कम प्रोनाउंसिएशन की जो प्रॉब्लम है उससे तो छुटकारा पाया जा सकता है। करेक्टिंग एरर्स व्हेनेवर दे हैपेंस, देखिए अगर आप गलतियां जब होंगी तब उनको सुधारने की बात करेंगे तो किसी भी बच्चे को आप कुछ भी सिखाने से ज्यादा टोकने भी उतारू हो जाएंगे। कहने का मतलब गलती हो टोक दो, ये बिल्कुल ही बैड उसमें आता है साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से जाए तो निगेटिव में आता है, ठीक है। लेटिंग चिल्ड्रन रीड अलाउड इन क्लास, आप बच्चों को जोर जोर से बोलने को कहिए कि हाँ जोर जोर से बोलिए और आपको प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा भले ही वो गलत ही क्यों ना बोल रहे हो। यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज यूज करानी चाहिए दैट रिक्वायर वर्बल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम, एक्टिविटी कराइए जहां पर वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो, आप बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो इट विल बी बेटर फॉर आउट ऑफ दीज थ्री एटलीस्ट। लेट्स सी फोर्थ ऑप्शन, कंडक्टिंग स्पेशल स्पीच थेरेपी, हमें स्पेशल स्पीच थेरेपी कंडक्ट करानी चाहिए विद ए काउंसलर एंड प्रैक्टिस थ्रू ड्रिल, और ड्रिल के द्वारा हमें प्रैक्टिस कराई जाएगी। देखिए आप अगर टीचर हो तो यू आर ऑल इन ऑल इन दैट पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। तो उसके लिए आपको किसी को काउंसलर स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है कि आप वहां पर ले आओ और तब जाके कोई थेरेपी लैंग्वेज की कराओ, ड्रिंक्स कराओ, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि आप वेस्ट बे है बच्चों को सिखाने का, उनके बीच आप कम्युनिकेशन करवाइए और एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को उन चीजों को सिखाइए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या असर्शन है, यूज ऑफ फोनेटिक स्पेलिंग स्लोज डाउन द एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल करेक्टली। अगर हम फोनेटिक्स की बात करें, साउंड की बात करें, 44 जो की होती है, तो वो स्लो डाउन कर देती है एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल करेक्टली, कि हम करेक्टली स्पेल कर पाए चीजों को, वर्ड्स को, तो उसमें ये कैसे करती है, स्लो डाउन कर देती है लर्निंग प्रोसेस को, ठीक है। बात सही है, वेन यंग चिल्ड्रन यूज स्पेलिंग दैट दे इन्वेंटेड, जब नए बच्चे या यंग बच्चे स्पेलिंग्स को यूज करते हैं जिनको उन्होंने खुद इन्वेंट किया होता है, रेदर देन कन्वेंशनल स्पेलिंग, वो कन्वेंशनल जो होती है उनके बजाय जो उन्होंने इन्वेंट की होती है जब उनका यूज करते हैं,
इट डज नॉट स्लो डाउन देयर एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल करेक्टली, वो उनकी स्पेलिंग की जो क्षमता होती है उसको स्लो डाउन नहीं करते हैं। तो ये भी बात सही है, यानी बातें दोनों सही है, लेकिन इस वाली बात का, क्योंकि वहां फोनेटिक की बात की गई थी और यहाँ इन्वेंशन की बात की गई, जो बच्चे इन्वेंट करके स्पेलिंग बनाते हैं, तो यहाँ उसकी बात की गई थी, तो यानी कि ये अलग है ये अलग है, बट बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं है वो। अगला देखिए, एन अप्रोच टू रीडिंग दैट रीडिंग दैट स्टार्ट्स विद बेसिक एलिमेंट्स, वो कौन सी रीडिंग अप्रोच है जो बेसिक एलिमेंट्स से शुरू होती है, लाइक लेटर्स एंड फोनेम्स एंड टीचेस चिल्ड्रन दैट फोनेम्स कैन बी कंबाइंड इनटू वर्ड्स, और उन्हीं से वर्ड्स बनते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू रीडिंग एज अ होल। ठीक है, मतलब ये है कि जो बेसिक से एडवांस, या यूं हम कहें कि वर्ड से, अगर हम लेटर से और वाक्य की तरफ बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है सीखने में, लैंग्वेज सीखने में, वो क्या कहलाती है, तो उसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। क्या कहते हैं? बॉटम अप अप्रोच कहते हैं जब आप क्या रूल्स पहले सिखाओ, जब आप वर्ड्स लेटर्स साउंड्स पहले सिखाओ, तो उस तरह, और उसके बाद में आप उनसे शब्द बनाओ, फ्रेजेस बनाओ, वाक्य बनाओ, और आगे भाषा के बृहद रूप में जाओ, तो वहां उस तरह की अब जो अप्रोच कहलाती है वो बॉटम अप अप्रोच कहलाती है। और बॉटम टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, जब आप लैंग्वेज को एज अ होल पहले सिखाओ, लैंग्वेज को एज अ होल पहले सिखाओ, मतलब हम सीधा बच्चा आता है तो हम उसको वाक्य पढ़ाने लगते हैं, अगर बिल्कुल बेसिक में बच्चा आता है तो उसको पहले सेंटेंसेस पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चा घर पे बोलता है तो वो सेंटेंसेस में ही बोलता है। ठीक है, तो सेंटेंसेस पहले बताते हैं, बाद में उन सेंटेंसेस से, या हम इसका छोटा एग्जांपल लें, किसी को हम अगर कोई स्टोरी हमने बता दी और स्टोरी के बाद उसमें से हम बताते हैं कि ये वर्ड्स इसका नाउन है, ये प्रोनाउन है, और यहाँ पर इस तरह की ये फ्रेजेज यूज की गई है, तो कहने का मतलब रूल्स रेगुलेशन हम बाद में सिखाएं, पहले उसको पूरा नॉलेज दें, तो उस तरह की अप्रोच को टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, और जब चीजें छोटी छोटी बारी पहले बताएं और अप लेवल पे बाद में जाए तो उसको बॉटम डाउन बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है लैंग्वेज को स्ट्रक्चर्स के माध्यम से, कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से, जिस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह का स्ट्रक्चर यूज होगा, सपोज कहीं पर इंटरव्यू है तो वहां पर किस तरह के लैंग्वेज कन्वर्सेशन होगी, और अगर किसी के साथ फॉर्मल किसी व्यक्ति के साथ है तो वहां पर कैसी यूज होगी, तो एक स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज का अपना, तो उसमें अगर लैंग्वेज सिखाई जाए तो वो स्ट्रक्चरल अप्रोच कहलाती है। ठीक है, होल लैंग्वेज अप्रोच होती है ये, बिल्कुल आप इसको मान लीजिए टॉप डाउन अप्रोच को ही होल लैंग्वेज अप्रोच लगभग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लैंग्वेज को एज अ होल, यानी कि यहाँ पर LSRW चारों को समाहित करके चीजें सिखाई जाती है, किसी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस नहीं किया जाता है, मतलब लैंग्वेज को पूरा प्रस्तुत किया जाता है, तब जाके वहां से उस जो भी सीखना होता है वो वहां पर वो सीखता है, तो होल लैंग्वेज अप्रोच कहते हैं। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा भी लिखा भी होगा, अ लर्निंग मेथड दैट टीच द लैंग्वेज एज होल लैंग्वेज शुड नॉट बी टेकन डाउन इनटू लेटर्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स डिकोडेड इंस्टेड ऑफ मीनिंग रिलेशन टू ईच अदर इन कॉन्टेक्स्ट, एक कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को सिखाना, इसके बाद हम वहां पर जो भी चीजें हमें उसमें पता करनी है वो बाद में हम सिखा सकते हैं, तो पहले लैंग्वेज को एज अ होल प्रेजेंट करना। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने देखी यहाँ पर। ठीक है, और आपको इसी तरह के जो CDP क्लास है और प्लस इंग्लिश के पैसेज हुए या पेडागॉजी हुए, वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर चैनल पे मिल रहे हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया है, बाकी अब रेगुलर चलेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम हमारे पास पर्याप्त है, और मैथ में भी बहुत जल्द शुरू होंगे क्लासेस। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज बहुत डिस्टर्बेंस रहा लाइट की वजह से, एडजस्ट कर लीजिए, देखते हैं हम लोग इसको, और बाकी आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और इतना तो कर ही सकते हैं आप, इतनी मेहनत हम लोग करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।